हेलो एवरीवन, कैसा हो सब? तो आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो रहने वाला है हमारे इंजन बे के क्लीनिंग के ऊपर। आप लोग ये प्रॉब्लम फेस किए होंगे, यहाँ पे आप आके देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे पूरा ग्रीस आपका लगा हुआ, मैं आपको ब्रश से करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका पूरा ग्रीस लगा हुआ, यहाँ पर भी मैं साफ करके देखा था तो ये पूरा साफ हो गया। यहाँ आपका पहले से ग्रीस लगा था और भी यहाँ पे देख सकते हो, अंदर में भी पूरा आपका ग्रीस वगैरह दिखता है। ठीक है, ये चीज़ आप नॉर्मल शैम्पू वगैरह से साफ करोगे दोस्तों आपका साफ नहीं होता, लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक घरेलू नुस्खा दिखाने वाला हूँ उसे ये पूरा चकाचक हो जाएगा। मैं आपको भी थोड़ा सा पार्ट करके दिखाऊंगा, बाद बाकी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, पूरा अपना कार को क्लीन कर सकते हो। तो आशा करूंगा आज के वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप क्लीनिंग करने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, आपका जो ये बैटरी का जो कनेक्शन रहता है दोनों तार को आप अपना डिस्कनेक्ट कर लेना और ये दोनों तार में अपना प्लास्टिक का बांध लेना, क्योंकि ये होगा ना दोस्तों आपके कार में बहुत सारा सेंसर रहता है, उसमें पानी जाएगा तो वो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो ये चीज़ आप डिस्कनेक्ट कर दोगे इसको और उसको तो वो हमारा डर हट जाएगा। और ये चीज़ आपका आता है मेन, यहीं से सारा कार का प्रोग्रामिंग वगैरह होता है, तो इसमें भी आप इसको प्लास्टिक से कवर कर देना और इसमें और वो दोनों कनेक्शन में पानी को अवॉइड करना, इसमें अपना पानी मत डालना। अभी मेरे पास प्लास्टिक अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको कवर नहीं करूँगा, इस साइड भी मैं क्लीनिंग नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दिया हूं, जब भी आप अपने कार के इंजन को क्लीन करना तो इसको, ये चीज को और वो चीज को अपना ढक लेना प्लास्टिक से और यहाँ पे पानी आप मत डालना। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको क्लीनिंग का प्रोसेस करके दिखा। तो सबसे पहले ये जो मिक्सर है इसको आप यहाँ पे स्प्रे कर लेना दोस्त पूरे अपने इंजन बे में। ठीक है, ऐसे ऐसा अपना अभी मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं जुगाड़ करके रखा हूँ, अभी ऐसे कुछ जुगाड़ कर सकते हो, आपके पास घर में भी स्प्रे होगा। अब पूरा इंजन बे में आप इसको सबसे पहले ऐसे स्प्रे कर लेना ताकि जो भी इसका जो जो ग्रीस वगैरह वो ढीला हो जाए और आपका इजीली वो साफ़ हो जाए। आप इसको ऐसे यहाँ पे स्प्रे कर सकते हो। ठीक है, स्प्रे करने के बाद आप इसको साइड में रख लेना, उसके बाद फिर आप ये जो मैंने आपको तेल जो मैंने बताया था ये तेल को आप यहाँ पे अपना ऐसे ब्रश में लेना और ऐसे ऐसे अपना ऐसे ऐसे करके अपना क्लीन कर लेना दोस्त। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा सारा ग्रीस निकलते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले से ग्रीस, अभी मैं इसको साफ करूंगा पूरा, ये चकाचक क्लीन हो गया। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत लगेगा लेकिन बहुत सारा पैसा इसमें आपको बच जाएगा। यही चीज़ आप किसी भी सर्विस सेंटर में या फिर कार वॉशिंग वाला के पास जाके आप ये करवाओगे तो इसका 1000 रुपये से 1500 रुपये वो लोग चार्ज करता है, लेकिन आप इसको घर में साफ करोगे तो 50 से 60 रुपये में आपका ये पूरा इंजन भी क्लीन हो जाएगा। अभी मैं आपको हल्का सा करके दिखा रहा हूँ और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये ट्रिक आपका काम किया या नहीं और आपका इंजन भी चमका या नहीं। साइड में यहाँ पे भी आप देख सकते हो पूरा ये ग्रीस लगा हुआ है दोस्त, देखो ये पूरा क्लीन होने के बाद इसको साइड के साइड में आप रख लेना और नॉर्मली फिर से ये जो आपका सॉल्यूशन था इसको आप यहाँ पे स्प्रे कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा आपका ग्रीस निकल जाएगा। और इसके बाद आप इसको नॉर्मल थोड़ा सा हल्का हल्का पानी देना दोस्त और सारा अपना ये हटा लेना, बस इसमें और इसमें आप पानी मत जाने देना, ध्यान रखना। बाद बाकी इधर आप हल्का हल्का पानी डाल सकते, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो दोस्त अब यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कंडीशन, आपको मैं इसको थोड़ा सा पानी को पोंछ के दिखा रहा हूँ। तो नॉर्मली ये कपड़ा मैंने लाया, अब इसको यहाँ पर अच्छा से इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ ताकि आप इसका कंडीशन चेकआउट कर लेना दोस्त। हॉट कर लो, पूरा न्यू हो चुका है दोस्त। यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे पूरा ग्रीस लगा हुआ था, इधर आप देखो पूरा यहाँ पे ग्रीस लगा हुआ था आपका, अब ये सारा चीज़ हट चुका, पूरा नया हो चुका है दोस्त। का प्रोसेस तो सारा देख ले हो कैसे क्लीनिंग होता है, मैं आपको इसका इंग्रेडिएंट दिखा रहा हूँ क्या क्या इसमें मैं यूज़ किया हूँ अपना साफ करने के। सबसे पहले आप देख सकते हो छोटा सा मैंने नॉर्मल बोतल लिया और नॉर्मल ये पानी लिया, इसमें आप इसको पानी को ऐड कर लेना बोतल में कुछ इस तरीका से, और उसके बाद से आपके घर में जो ईजी अवेलेबल रहता है दोस्त जिससे आप अपना उलन कपड़ा को धोते हो वो चीज़ आप थोड़ा सा इसमें डाल लेना, ये वाला चीज़ आपके ईजी आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप इसको डाल लेना। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, मैं पानी कम कर दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं थोड़ा सा भी डाल रहा हूँ। ठीक है, इजी आप इसमें अपना डाल लेना, अपने अकॉर्डिंग इजी डाल लेना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक क्लीनिंग प्लस का शैम्पू है, इसमें कोई भी शैम्पू आप यूज कर सकते हो, वो भी आप इसमें ऐड
कर लेना, ठीक है। अब इसको आप मस्त मिक्स कर लेना। ये अभी आधा मिक्सर बना है, कंप्लीट मिक्सर। एक चीज़ और है इसमें, वो चीज़ आपका डीग्रीसिंग का काम करेगा दोस्त, ये तो आपका शाइनिंग लाएगा। आप इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना, ये आपका मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखो मेन चीज़ आपका ये है, ये आपका डीग्रीसिंग का काम करेगा। ये चीज़ आपका क्या है, मिट्टी तेल, ठीक है। लोकल भाषा में इसको मिट्टी तेल बोलते हैं, और ये आपके इंग्लिश में केरोसिन तेल बोला जाता है। आपको ये लोकली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास केरोसिन तेल नहीं, तो आप डीजल या पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हो इसके जगह में।